हेलो बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट का। आज हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमने कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ी है उनके न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट इन डालते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आज का जो न्यूमेरिकल होगा वो आप किससे सिर्फ कंसंट्रेशन बेस्ड वाली यूनिट के ऊपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फार्मूले रिक्वायर्ड है अपने उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा एडिंग बना लेते हैं रिक्वायर्ड फार्मूला के नाम से। ठीक है, लीजिएगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला कि हमें अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अभी आज कौन कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, देखो जो पहला फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्मूला वो होगा वेट बाय वेट परसेंटेज, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज। इसका फॉर्मूला हमने बता रखा है, क्या बताया था भाई, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, और जब आंसर आ जाएगा तो वहां क्या लगा देंगे, हम परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, दूसरा हमने रखा था वेट वाई वॉल्यूम परसेंटेज, यहां पर हमने रखा था वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो हम क्या लगा दीजिएगा, परसेंटेज। तीसरा हमने बताया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, आंसर आ जाएगा तो क्या लगा दीजिएगा, परसेंटेज। चौथे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, हम लोग चौथा फॉर्मूला यूज करेंगे मोलेरिटी की, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलेरिटी का फॉर्मूला हमने बता रखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये वॉल्यूम किसमें होगा भाई, इन लीटर, ध्यान रखिएगा इसमें होगा इन लीटर। इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू टू वाई एम टू इन टू, वॉल्यूम किसमें रखना है, लीटर में, तो 1000 अपॉन वी, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को नेक्स्ट फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी मोलैरिटी की, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे हम लोग यूज करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ये किसमें होगा, इन केजी, याद रखिएगा किसमें होगा भाई, ये केजी में। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब हो गया डब्ल्यू टू वाई अपॉन में क्या हो जाएगा उसका मॉलिकुलर मास, क्या हो जाएगा मॉलिकुलर मास, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा मॉलिकुलर मास। ठीक है भाई, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो डब्ल्यू टू वाई एम टू लिख लो एम टू, ठीक है, इंटू इंटू क्या हो जाएगा, ये केजी में है तो 1000 अपॉन में डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने का तरीका है। उसके बाद अपने को नेक्स्ट फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, नेक्स्ट फॉर्मूला अपने को जरूरत पड़ सकता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को हम लोग डिनोट करेंगे यस से, स्ट्रेंथ किससे डिनोट करेंगे, हम लोग यस से डिनोट करेंगे, और इसका जो रिजल्ट होगा याद रखिएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, जब आपको मोलैरिटी दिया हो तो मोलैरिटी दिया हो तो वहां से आप निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, छह फॉर्मूले हो गए, और फॉर्मूले अपने यूज करना पड़ेगा आज के न्यूमेरिकल में। सातवां फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सातवां फॉर्मूला आप यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन का, सातवां फॉर्मूला आपका होगा मोल फ्रैक्शन। देखो भाई, मोल फ्रैक्शन को चाय से डिनोट करते थे, ये सिंबल को हम लोग क्या नाम रखा था, चाय, इसको आप दो कंपोनेंट के निकालते थे, तो अगर अपने को निकालना पड़ता था चाय वन के लिए तो क्या होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड जब इसके निकालते थे चाय टू, वहां पे आ जाता था अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला। ठीक है,
इसके साथ एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा कि chi1 plus chi2 का रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये हो गया सातवां फार्मूला। अब नेक्स्ट वन हम लोग यूज करेंगे नॉर्मेलिटी का। किसका यूज करेंगे? नॉर्मेलिटी का। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है हीट फॉर्मूला, समझ जाएगा आपका। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये रहेगा आपका लीटर में। किसमें रहेगा ये आपका? लीटर में। इसको और एक्सपेंड करते थे तो हम लोग इसको लिखते थे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई ई, डब्ल्यू बाई ई इंटू वॉल्यूम, किसमें रखना है? लीटर में। तो 1000 बाई वी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको और आगे अगर हम बढ़ाएं तो भाई इसका निकालने का फॉर्मूला क्या था? इसका निकालने का फॉर्मूला था आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। भाई ई निकालने का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। इसको और आगे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर, और नीचे आपका क्या आ जाएगा भाई? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट यूज है, आप ये यूज करेंगे इसके लिए आपको अलग बार बार निकालना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायरेक्ट यूज हो जाएगा। अब देखो वैलेंसी फैक्टर को सॉल्यूशन के टर्म में हम लोग यूज करेंगे एन फैक्टर के फॉर्म में। किसके फैक्टर को हम यूज करेंगे? एन फैक्टर के फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ का एन फैक्टर वैल्यू बता देता हूं, आप याद रख लो एन फैक्टर वैल्यू जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको। H2SO4 का एन फैक्टर की वैल्यू होती है 2, कितनी होती है? 2। ठीक है, HCl के लिए यूज करेंगे 1, HNO3 के लिए यूज करेंगे 1, और आपको मिल सकता है इसमें जो ज्यादा जरूरी है आपको मिल सकता है CH3COOH, इसके लिए यूज करेंगे कितना? 1। तो ये आप याद रखिए एन फैक्टर ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका किसका फॉर्मूला? नॉर्मेलिटी का। अब ऐसा कोई फॉर्मूला बच नहीं रहा है कि जिसका जरूरत हमें आज के न्यूमेरिकल के लिए पड़ेगी, और एक फॉर्मूला आपको पड़ेगा डेंसिटी। डेंसिटी तो आप जो जानते हो मास बाई वॉल्यूम, तो वो भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट अपनी जरूरत पड़ेगी डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल होता है मास बाई वॉल्यूम। इस प्रकार से हमने एक छोटे से टाइम में सारे फॉर्मूलों को कवर कर लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं और क्या जरूरत पड़ेगी। अपने जरूरत पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स की, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने टर्म में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने फॉर्मूला नोट कर लिया, याद रखिएगा ये फॉर्मूला जो भी है ये क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए भी अच्छा होगा और क्लास 12th के लिए तो अच्छा है ही। ठीक है, आप लोगों ने जो क्लास 12th के बच्चे देख रहे हैं वो 11th में ये सब पढ़ चुके हैं, बट उन्हें याद नहीं होगा तो एक छोटे से जगह में उनको सारे फॉर्मूले एक साथ कवर हो जा रहे हैं, जो उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। और अगर वो दो चार बार इसको देख लेंगे तो उनको ये फॉर्मूला हमेशा भी क्या हो जाएगा? रिमेंबर हो जाएगा। चलिए एक बात और कर लेते हैं, जो अपने भी जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स का तो एक ही फॉर्मूला काम करेगा हमेशा, जिसका नाम है भाई गिवेन मास अपॉन मोलर मास। गिवेन मास अपॉन मोलर मास से हम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कभी क्वेश्चन दे दिया दूसरे यूनिट के टर्म में और किसी दूसरे यूनिट टर्म में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक, देखो जो मोल होता है, जो आपका मोल है, मोल को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, आप मोल को यूज करते हैं इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी, पहला इसको मैं डिनोट करूंगा क्यू से, सेकेंड आप यूज करेंगे इसको इन द टर्म ऑफ मास, भाई बोलिए एक मोल में कितना मास होगा। ठीक है, या गिवन क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एक मोल में कितने क्वांटिटी होंगे। ठीक है, तीसरा आप यूज करोगे वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम जो होगा ये गैस के लिए होगा, इसके लिए होगा गैस, और ये हमेशा आपका कंसीडर होगा ऑन एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है भाई? 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर आपका हो जाएगा 180। ठीक है, चलिए, तो भाई अगर क्वांटिटी के टर्म में पूछा जाए
कि वन मोल में कितना क्वांटिटी होगा, तो वन मोल में जो क्वांटिटी होता है वो होता है 6.022 × 10^24, कितना होता है 23 होगा, कितना होता है भाई 6.022 × 10^23, वन मोल में कितना आपका क्वांटिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, वन मोल में अगर पूछ लिया कितना मास होगा, तो वन मोल में जो मास होगा डिपेंड करता है वो एटम है कि मॉलिक्यूल, अगर एटम है तो उसका हो जाएगा एटॉमिक मास। वन मोल में जो आपका मास है वो कितना आएगा, उसका एटॉमिक मास। ठीक, अगर वो मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा भाई, उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये तो हो गया दूसरा टर्म। अगर तीसरा टर्म देखें हम लोग वॉल्यूम के टर्म में देखा जाए, तो देखो वॉल्यूम के टर्म में आप हमेशा याद रखना ये केस गैस के ऊपर अप्लाई करेंगे और एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, तो इस केस में वन मोल इज इक्वल होता है 22.4 लीटर, कितना याद रखेंगे आप लोग 22.4 लीटर। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 22,400 मिलीलीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, वन मोल, तो ये तो हो गया भाई कि वन मोल में क्वांटिटी कितना 6.022 × 10^23, वन मोल में भाई मास कितना, तो डिपेंड करेगा एटम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास। वन मोल में वॉल्यूम कितना ऑन एसटीपी पे, तो वो हो जाएगा 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। क्लियर है? अब बात करते हैं कि भाई अपने को अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्वांटिटी दे रखा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इधर हो जाएगा, गिवन क्वांटिटी दैट इज क्यू, और उसको डिवाइड कर देंगे ये 6.022 × 10^23 से, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। इसके टर्म में पूछा तो इसके टर्म में हो जाएगा गिवेन मास अपॉन में मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ये आ जाएगा। ठीक, इसके टर्म में पूछा वॉल्यूम टर्म में बताइए भाई क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा यानी गिवन वॉल्यूम, जो भी आपको वॉल्यूम दे रखा है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, और नीचे आपका जाएगा 22.4। यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, निकाल देंगे। अगर हम इन तीनों का एक साथ रिलेशन बनाना चाहें, इनका अगर रिलेशन बनाए तो इनका रिलेशन बन क्या आएगा टोटल, इनका रिलेशन देखें तो रिलेशन इनका बन क्या आएगा, रिलेशन आएगा एन इज इक्वल गिवेन मास दैट इज क्यू, और ये क्या है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इज इक्वल गिवेन मास भाई डब्ल्यू अपॉन में मोलर मास भाई मोलर मास, ठीक है, इज इक्वल गिवन वॉल्यूम वी ऑफ गैस अपॉन 22.4। तो ये इनके बीच का क्या बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है, जहां पर अलग अलग क्वांटिटी में दिए हुए अलग अलग यूनिट में दिए हुए क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन मेरे पास दे दिया और उससे अपने से कुछ चीजें पूछ लिया, इसको नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो अपने क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपने को दे दिया 12.044, इफ 12.044 पार्टिकल ऑफ CO2 is given, then अच्छा यहां पर मान लो दे दिया, इसके साथ कुछ इसको थोड़ा और, ये मान लो 12.044 × 10^20, ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, 20 पार्टिकल ऑफ CO2 इज गिवेन, देन फाइंड के लिए करने को अपने दे दिया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, n कितना आएगा, ठीक है, वेट निकालो, वेट कितना आएगा, उसके साथ साथ वॉल्यूम, इतनी चीज अपने को निकालने के लिए। ठीक है,
आइए निकालते हैं इसको, देखते हैं क्या रहेगा। तो अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है क्वेश्चन में क्वांटिटी, क्या दे रखा है क्वेश्चन में क्वांटिटी। तो इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इज इक्वल क्वांटिटी कितना दे रखा है 12.044 इंटू 10^20 और नीचे एन की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10^23। ठीक है भाई, ये नंबर इसलिए थोड़ा आसान न्यूमेरिकल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो ये कट जाएगा जस्ट डबल से और ये पावर जाती आ जाएगा आपका 2 × 10^-3 और ये आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिखना चाहो तो भाई मिली मोल भी लिख सकते हो, अगर आप इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 mmol। ठीक, ये तो हो गया आंसर भाई कि नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए, इतने मोल। ठीक है, क्या आगे इसको भी सकते हैं 2 mmol, ये आपका आंसर आ गया। अब पूछा भाई वेट, तो आ जाते दूसरे यूज करते, ये टर्म यूज करते हैं, तो भाई यन तो अपने मालूम गया कि यन इज इक्वल क्या यूज करेंगे डब्ल्यू वाई मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एन तो दे रखा है कितना 2 × 10^-3 इज इक्वल डब्ल्यू निकालना है अपने को और मॉलिकुलर मास, तो CO2 का मॉलिकुलर मास देखो भाई कैसे निकालते हैं, कार्बन कितना होता है इसका 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो टोटल आ जाएगा आपका 44 ग्राम पर मोल, ये आ जाता है इसका मॉलिकुलर मास। तो आप इसका मॉलिकुलर मास रख देंगे 44, तो वो इधर आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल 44 × 88 × 10^-3। ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, ग्राम, ये आ गया आपका इतना ग्राम है। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं तीसरा, क्या दे रखा है भाई, वॉल्यूम निकालना अपने को, अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का रिलेशन क्या यूज कर सकते हैं भाई, वॉल्यूम का रिलेशन हम ये यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए यूज करेंगे भाई, वॉल्यूम इज इक्वल हो जाएगा क्या, वॉल्यूम इज इक्वल हो जाएगा एन इंटू 22.4, n into 22.4 और ये रिजल्ट आएगा आपका किसमें, लीटर में। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दे रखी भाई, n की वैल्यू दे रखी है अपने पास 2 × 10^-3 into 22.4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो × 10^-3। ठीक, आप इसको लिख सकते हैं 44.8 mL, ये तो आ गया आपका मोल। आप देख सकते हैं कि आपने इस रिलेशन का यूज करके इस क्वेश्चन में दिए हुए सारे यूनिट को निकाल लिया है। ठीक है, नोट करिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक, नोट करिए।